सऊदी अरेबिया में रमजान को देखते हुए कुछ रूल्स चेंज किए गए हैं, और कोई मामूली चेंजेस नहीं किए हैं, बहुत बड़े चेंजेस हैं, और इसको देखकर बहुत सारे लोग परेशान हैं और खास करके मुस्लिम्स इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में इन्हीं रूल्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्या है ये रूल्स और कैसे हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेन मक्का और मदीना की मस्जिद को छोड़कर बाकी सभी मस्जिदों को स्पीकर की आवाज कम रखने के लिए किया गया है। जो मक्का और मदीना के बड़े बड़े मस्जिद हैं सिर्फ उनको ही परमिशन है, बाकी सभी अपनी लाउड स्पीकर की आवाज को कम रखना पड़ेगा। एहतिकाफ आप सभी लोगों को पता होगा, मस्जिद में बैठते हैं इबादत करने के लिए। अब वैसा बैठने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन कैरी करने पड़ेंगे, बाद हफ्ता आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ दिखानी पड़ेगी, बाद में जाके आपको इस एहतिकाफ में बिठाने के लिए परमिशन दी जाएगी, और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्जिद के इमाम के ऊपर होगी। मस्जिद का इमाम आईडी देकर उनको अलाउ करेगा। और जो नमाज ब्रॉडकास्ट होती थी, यानी कि आप टीवी पर बैठकर मक्का और मदीने की नमाज देखते थे, सऊदी में जहाँ पे भी नमाजें हो रही हैं उनकी नमाजें देखा करते थे, अब शायद आप वो नमाजें नहीं देख पाएंगे, क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए गए हैं। कोई भी मस्जिद अपनी नमाज को, प्रेयर्स को ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता टीवी पर या फिर कहीं भी प्लेटफॉर्म पर। रमज़ान के मौके पर जो मगरिब की नमाज से पहले इफ्तार करते हैं सभी लोग बैठ के मस्जिद में, जो रोज़ा खोलते हैं उसको भी इन्होंने बैन कर दिया है। अब मस्जिद में रोज़ा खोलना यानी कि इफ्तारी करना बैन है। मस्जिद के लिए जो डोनेशंस लिए जाते थे, जो भी मस्जिद के काम के लिए या फिर किसी भी तरीके से लिए, अब वो डोनेशंस लेने से मना कर दिया गया है। और खास करके जो इफ्तार की दावत करने के लिए या फिर खाना देने के लिए जो भी डोनेशन लिए जाते हैं वो भी मना कर दिया गया है। फिर मगरिब की नमाज होने के बाद जो मील रखी जाती थी, यानी कि खाने का अरेंजमेंट किया जाता था रोजेदारों के लिए, उसको भी बैन कर दिया गया है। अब वो भी मस्जिद में नहीं कर सकते, मस्जिद के एक जगह पे कहीं पे पर्टिकुलर जगह पे कर सकते हैं, लेकिन मस्जिद में बैन किया गया है। और जहाँ पे भी ये बाहर कर रहे हैं मस्जिद को छोड़ के, वहीं पे भी जो है ना करने के बाद सबको साफ सुफ मतलब पूरे तरीके से अच्छा करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मस्जिद में प्रेयर करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। और जो नमाजें हैं, लंबी लंबी नमाजें होती हैं, कभी थोड़ा टाइम लग जाता है तो उसको छोटा करने के लिए बोला जा रहा है। और सारी मस्जिदों में कैमरा तो अलाउड ही नहीं है। अगर इन केस कैमरा लेके भी जा रहे हैं तो मस्जिद के इमाम साहब, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, उनकी फ़ोटो आप नहीं खींच सकते, वीडियो नहीं ले सकते, और जो प्रेयर्स चल रही है उनकी तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। इफ्तार करने के टाइम पे एक छोटी जगह बनाकर मस्जिद के पास छोटा अपना टेंट मार लेते थे या फिर कुछ भी शैडो वगैरह कर लेते थे, रूम बना लेते थे, तो उस तरीके की हरकत अभी मना है। इफ्तार करने के लिए ऐसा कुछ टेंट वगैरह, टेम्पररी टेंट्स वगैरह नहीं लगा सकते। ये सारे रूल्स, ये सब कुछ इंप्लीमेंट किया गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, और ऑलमोस्ट सभी मुस्लिम्स ये बोल रहे हैं कि ये रूल्स बहुत ही गलत हैं। अब ये रूल्स रमजान को देखकर किए गए हैं या फिर ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे अब से, ये पता नहीं है। अब इसमें आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, खास करके आलिम हाफिज जो जानने वाले हैं वो लोग जरूर नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि लोगों को पता होना जरूरी है क्या सही है या क्या गलत। होप करता हूं आपको वीडियो सारी समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो खत्म करने से मैं आपको बोलना चाहूंगा, रमजान का दिन इंडिया में पहला रोजा है आज, यानी कि रोजे स्टार्ट हो चुके हैं। रमजान मुबारक आप सभी लोगों को। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।